अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, आज हमने पेज नंबर 48 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आज हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर देन फाइंड द एलसीएम। आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 8 और 12। आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट 5 इनके मल्टीपल्स लिख देने हैं, ठीक है। मल्टीपल्स मीन टेबल लिख देने हैं। फिर इसके अंदर सबसे छोटा नंबर जो दोनों के अंदर आप आ रहा है उसको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 24 है और दोनों के अंदर आ रहा है, तो आपने इसको सर्कल कर दिया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मीन्स जो दोनों के अंदर आ रहा हो, और मल्टीपल हम टेबल को बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है 8 और 12 का 24 है। अब इसी तरह क्वेश्चन 3 में हमें, अब यहाँ पे दो पेयर्स दिए हुए थे, अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ठीक है। तीन नंबर्स का सेट है, उन्होंने सेम हमें यही कहा है कि आपने क्या करना है, 6 मल्टीपल्स लिखने हैं या 6 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तीनों के अंदर सबसे छोटा नंबर क्या है, हमारे पास 20 है, तो आपने इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। तो ये इन तीनों के अंदर एलसीएम हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 20 है। इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो इवन नंबर हों और दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, हमारे पास इवन नंबर आएगा। ये आप देखें, मैंने 2 में 2 प्लस किया तो मेरे पास क्या आया, 4। इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल फिलिंग दी ब्लैंक्स दी है कि अगर हम ऐड करें ऑड नंबर के अंदर दूसरा ऑड नंबर तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब आप ये एग्जाम्पल देख लें, 1 + 3 दोनों ऑड नंबर हैं, तो ऐड किया हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। इफ़ वी ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर, अगर हम इवन नंबर जो है एक ऑड नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा। अब आप देखें 2 इवन है और 1 क्या है, ऑड है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सारे आपने अपनी नोटबुक पे कर लेने हैं। थैंक यू।